निहायत रहम करने वाला है। आप सबको मेरी तरफ़ से अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ अचारी बैंगन बनाने की। तो इसके लिए यहाँ मैंने ये लंबे वाले बैंगन लिए हैं। मैंने आपके साथ बहुत सारी बैंगन की रेसिपीज शेयर की हैं, ये भी बहुत मज़े के बनते हैं, तो मैंने कहा ये रेसिपी जो है आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उसके लिए यहाँ मैंने तकरीबन बैंगन लिए हैं 3 अदद, यहाँ 2 अदद आलू लिए हैं, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। धो के यहाँ अब हम इसकी कटिंग करेंगे। 2 अदद प्याज लिए है और यहाँ मैंने टमाटर लिए हैं। यहाँ मैंने 1/2 टेबल स्पून के करीब जो है पिसी हुई हल्दी ली है, 1/2 टेबल स्पून जो है पिसी हुई मिर्च ली है, 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया लिया है, नमक लिया है, सौंफ ली है, कलौंजी, मेथी दाना और यहाँ मैंने इमली के पल्प की 2-4 कतारें लिए हैं। तो आइए, और यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 2 अदद प्याज ली है। तो आइए देखें, इसको हम स्किन के साथ ही इसको बैंगन को काटेंगे इस तरह से करके, ये देखें। इस तरह हम इनको काट लेंगे, इस तरह करके ना हम ये सारे बैंगन काट लेंगे। कच्चे बैंगन हैं, बहुत मज़े के पकेंगे। और ये जो आलू हैं इनको भी हमने इसकी स्किन जो है इसको रिमूव कर देंगे, इसको इस स्किन को जो है इस तरह रिमूव करके इसमें छोटे छोटे से करके जो है काट लेंगे, ये देखें। जो है वो तेल लिया है यहाँ पे तकरीबन 2 चम्मचों के करीब। यहाँ हम इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं, ये प्याज को देखें सौते करेंगे। प्याज को थोड़ा सौते कर लेंगे, यहाँ पे हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, ये देखें थोड़ा उसको सौते कर लेंगे। यहाँ पे हम ये तमाम जो स्पाइसेस हैं, ये देखिए ये जितने स्पाइसेस मैंने आपके सामने शेयर किए थे ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, और ये टमाटर जो हैं ये भी इसमें शामिल कर रही हूँ, और इसमें जो है हम थोड़ा पानी जो है डालकर इसको मीडियम लो फ्लेम पर रखकर जो है इसको पकाते हैं, मसाला भूनेंगे, फिर इसमें जो है बैंगन शामिल करेंगे। अभी जो है ये मसाला भूनता है तो फिर आपसे जो है इसकी रेसिपी जो है शेयर करते हैं। अभी हल्की आंच पर रख के इसके मसाले को भून लेते हैं। इसे भून रहा है तो हम यहाँ पे आलू भी शामिल कर देते हैं, क्योंकि बैंगन तो जो है वो दम पे पक जाएंगे, आलू जो है गलने में थोड़ा टाइम लेंगे, तो हम यहाँ आलू शामिल कर देते हैं ताकि मसाले के साथ आलू भी जो है वो अच्छे से गल। ये देखें अभी हम इनको आलूओं को गलने के लिए रखते हैं, इसमें मसाले के साथ आलू भी गल जाएंगे, तो फिर यहाँ पे हम इमली शामिल करेंगे और बैंगन शामिल करेंगे। जो है हमारा अच्छे से भून के तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर ये जो बैंगन है ये हमने पानी में भिगो के रख दिए थे, हम यहाँ ये शामिल कर रहे हैं। मसाले में मिला लेंगे और इसको हल्की आंच पे दम पे रख देंगे, और ताकि जो है कि ये फिर, और इसमें यहाँ पर मैं इस स्टेज पर ये जो इमली है ये भी शामिल कर रही हूँ, देखें, और हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि ये सही से गल जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अच्छे से बन के तैयार हो रहे हैं, तो यहाँ मैं ये 2 हरी मिर्चें भी ऐड कर देती हूँ, बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आएगा, बहुत मज़े के बन रहे हैं, यमी यमी से। पसंद आई मेरी रेसिपी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। जी देखें यहाँ आलू भी देखें कितने अच्छे से गल गए हैं, ये देखें बिल्कुल,
और ये देखें बैंगन भी बहुत अच्छे से गल के तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी अचारी बैंगन की रेसिपी कैसी लगी। ये चावल रोटी के साथ बहुत मज़े के लगते हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। डिश आउट करके दिखाते हैं जी। देखिए यहाँ हमारे अचारी बैंगन बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं, तो अभी मैं हमको इसको ट्राई करते हैं। ये देखिए देखें कितने अच्छे बने हैं, आलू भी इतने। ट्राई कर पसंद आए तो ज़रूर ज़रूर लाइक शेयर करें। तो नई आने वाली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।